हे एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है सभी का एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। एंड गाइस, आज की वीडियो थोड़ी डीप है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे शेयर करने वाला हूँ। आई होप बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। जो लोग रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली अपने कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें। तो सीन ये है बेसिकली कि गेम का स्टेट क्या है, खास करके टाउन ऑफ 16, लेजेंड लीग्स, वॉर, क्या क्या स्टेट है गेम का, राइट? तो मतलब इस कहाँ से शुरू करूँ, थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। बट थीम ये है कि भाई गेम का स्टेट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा है एट टाउन हॉल 16। आई डोंट नो अबाउट टाउन हॉल 13, 14, 15, क्योंकि वहाँ पे मैं इतना रेगुलर नहीं खेलता हूँ। बट एट टाउन हॉल 16 बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है ये गेम, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और कोई फिक्स अगर नहीं किया क्लैश ऑफ क्लैंस ने, सुपर सेल ने, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। अब आई डोंट नो मुझे कितना बैकलैश मिलेगा इस वीडियो में, बट मैं आज जो भी है दिल से बोलने वाला हूँ। और वो यही है कि मतलब सिंपल अगर एक लाइन में से मैं डिस्क्राइब करूँ तो अभी हॉरेबल कंडीशन है। मतलब कोई टाउन ऑफ 16 का बंदा अगर थोड़ा अच्छा खेलना चाहता है तो उसके लिए ये गेम है ही नहीं। रीजन्स मल्टीपल हैं, बट चलो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि लास्ट मेरा 2-3 दिन कैसा रहा एट लेजेंड्स लीग। पहले लेजेंड लीग से शुरू करूँगा, फिर वॉर में जाऊँगा, एंड देन और भी कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है? तो लेजेंड लीग्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे मेरा बैटल लॉग, तो कल मैंने 320 मारा था, 320 मैंने माइनस खाए। इससे पहला दिन मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, बट मैंने उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखा है। वो अभी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने 320 मारे थे और 320 वहाँ भी मैंने माइनस खाया था। और आज का जो करंट डे चल रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो अभी तक मैंने अटैक्स लिए नहीं है, बट मैं 4 ट्रिपल्स खा चुका हूँ। अब ये क्या दर्शाता है? ये लास्ट मतलब 16 और 4, 20 अटैक्स में मैं 20 ट्रिपल्स खा चुका हूँ। और 16 अटैक्स मैंने जो लिए हैं उनमें से मैंने 16 ट्रिपल्स मारे हैं। उससे भी अगर मैं पहले जाऊँ तो आई थिंक मैं ऑन एन एवरेज 300 प्लस मार ही रहा था। मतलब 8 में से 7 अटैक्स में ट्रिपल मार ही रहा था और डिफेंस भी मेरा वही जा रहा था। अब ये क्या दर्शाता है? अब ये नहीं दर्शाता है कि जो प्लेयर्स ने मेरे पे अटैक किया वो कितने अच्छे प्लेयर्स थे, ना ही ये दर्शाता है कि मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ। मैं अपने आप को 30 मार्का कोई समझता नहीं हूँ, मैं एक एवरेज प्लेयर हूँ। और जो बंदे मेरे को अटैक्स कर रहे हैं, जैसे लास्ट 20 अटैक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई होप कि उन 20 में से कुछ 4-5 लोग होंगे जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होंगे, बट 20 में से 20 लोग आउट ऑफ द बॉक्स या फिर प्रो प्लेयर्स नहीं होंगे जिन्होंने मुझे ट्रिपल किया है। अब मेरा बेस चाहे कितना भी घटिया क्यों ना हो, मैं अभी आपको अपना बेस लेआउट नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कोई भी जज कर सकते हो कि मेरा बेस बहुत बेकार है, ये है वो है, क्योंकि मैं एक फुल मैक्सड आउट टाउन ऑफ 16 हूँ, राइट? अगर आप देखोगे तो मेरा कोई भी अपग्रेड नहीं है, सारे अपग्रेड्स मेरे फिनिश हो चुके हैं, इवन ट्रैप्स वगैरह सब कुछ। तो मेरा बेस लेआउट कितना भी बुरा क्यों ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 20 में 20 ट्रिपल्स खा रहा हूँ। और वो 20 प्लेयर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 20 में से एक अटैक मिस ना किए हो। तो भाई ये पिक्यूलियर सिचुएशन बना हुआ है लेजेंड्स लीग में। मेरे को लगता है कि बहुत लोग रिलेट करेंगे, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे क्लाइंटमेट्स के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे एक और एड ऑन करना चाहूँगा, बहुत लोग ये भी शायद आर्ग्यू करें कि भाई सीजनल ट्रूप्स हैं इसलिए इतना प्रॉब्लम है, बट नहीं, ये भी रीज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ जो डिफेंस लॉग है मेरा। ऐसा नहीं है कि हर बार सीजनल ट्रूप से अटैक हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये वाला अटैक, अगर आप पहला वाला देखो निको की तरफ से, तो वो रेगुलर आर्मी जो यूज़ कर रहे हैं सब लोग, उस आर्मी से ये 3-स्टार हुआ है। उससे भी पहले अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक ब्रूम विच है, ठीक है? उससे पहले अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी रेगुलर आर्मी है, ये वाली भी रेगुलर आर्मी है। फिर हम अगर नीचे जाएं तो ये ब्रूम विच, चलो ठीक है, ये मेका अटैक, ठीक है। फिर नीचे अगर आते हैं तो ये रेगुलर, ये फिर से ब्रूम विच, ये फिर से रेगुलर। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है ये ड्रैगन अटैक है। तो वैरायटी भी है, सीजनल ट्रूप्स भी हैं, रेगुलर ट्रूप्स भी हैं, एयर भी है, ग्राउंड भी है, बट रिजल्ट जो है वो सेम है, वो है 3 स्टार्स। हर बार कोई भी आ रहा है 3 स्टार करके जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी 3 स्टार कर रहा हूँ। तो वही है ना कि गेम का जो फन है वो खत्म हो चुका है। मतलब मैं अब 320 मार के कुछ खुशी नहीं मिलती। अगर ये चीज़ साल डेढ़ साल पहले अगर कोई बंदा लेजेंड लीग पे 320 मार रहा है तो भाई वो बहुत बड़ी बात होती थी, राइट? या फिर अगर आप आज से कम 6-8 महीने पहले टाउन हॉल 16 इवन जब नया भी आया था तब भी वो इम्प्रेसिव था। बट लास्ट के दो सीजन्स पर्टिकुलरली मैंने देखा है कि भाई चीज़ें जो है वो बद से बदतर हो रही हैं।
इक्विपमेंट जो मैजिक मिरर आई है, पहले मैं ये एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड है, जब मैं टैक्स करूंगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आप मेरे स्ट्रीम्स को ज्वाइन नहीं करते प्लीज स्ट्रीम्स को ज्वाइन किया करें, वहां पे मैं लेजेंड लीग्स अटैक्स लेता हूं। तो वहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैजिक मिरर आने से पहले जहां पे प्रॉब्लम होती थी कोर में, वो प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर आपके पास नॉन मैक्स भी है मैजिक मिरर तो भी 25 सेकंड्स आपको क्लोन्स मिल रहे हैं, और कोर को क्लियर करने के लिए 25 सेकंड्स मोर देन इनफ है, तो वो भी एक इशू है। तो हर एक इक्विपमेंट इस गेम को बद से बदतर बना रहा है। चाहे ठीक है, मैं मान रहा हूं कि मैंने भी उसको अपग्रेड किया, मैं भी उसे मिसयूज कर रहा हूं, उसको अब्यूज कर रहा हूं, फायदा उठा रहा हूं, बट फायदा क्या है, ओपोनेंट्स भी उठा रहे हैं ना। तो गेम कहीं ना कहीं बैलेंस तो हॉरिबल बहुत टाइम से है, बट अभी जो है हालत इतनी बुरी है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन खत्म सा हुआ है। इस सीजन मैंने लेजेंड लीग पुश करने का मोटिवेशन खो दिया है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अटैक्स नहीं लिए, अटैक्स मैंने लिए हैं, हर दिन मैं अपने 8 अटैक्स लेता हूं, बट मैं श्योर हूं कि इस सीजन मैं 6000 स्टे नहीं कर पाऊंगा। राइट, दो मैंने इस सीजन लास्ट सीजन से भी अच्छे मारे हैं हिट्स, बट फिर भी इतना बुरा हाल है। लास्ट सीजन मैंने 6350 ट्रॉफीज रीच किया था, इस सीजन मैंने बेयरली 6000 रीच किया है, जबकि इस सीजन मैंने लास्ट सीजन से बेटर ऑफेंस किया है। ऑन एन एवरेज मैंने 310 मारा है। बहुत दिन हो गए जब मैं हर दिन 320 मारते आ रहा हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सीजन रीजन है लेजेंड लीग्स का बहुत ही बुरे हाल में है। पता नहीं इसका क्या सोल्यूशन, आई डोंट नो, बट आप लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक देना कि क्या सोचते हो आप इसके बारे में। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं जो है वॉर। अब वॉर भी एक टाइम पे बहुत ही एक्साइटिंग हुआ करते थे, बहुत लोग अपनी स्ट्रीक मेंटेन करते थे, वॉर में फन करते थे, क्रिएटिव हुआ करते थे, बट अभी वॉर का कंडीशन जो है ना, अब मैं क्या बोलूं, मतलब कुछ बोलने लायक नहीं है। क्यों, मैं दिखाता हूं, देखो ये वॉर चल रही है हमारी, ये 150 खाएंगे हम, मैं अभी से मान के चल रहा हूं। अच्छा चलो ये 45 भी 45 है तो 150 नहीं, बट जो भी है हम फुल स्टार्स खाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है फुल स्टार्स खाओगे तो अच्छा क्लैन है, तो रुको एक चीज दिखाता हूँ। अभी अगर मैं अपना वॉर लॉग दिखाऊं ना, अगर आप देखोगे जब भी अच्छे ओपोनेंट्स पढ़ते हैं, अच्छे ओपोनेंट्स मतलब जो सारे अटैक्स लेते हो, ठीक ठाक अटैक करते हो, वो 150 मार रहा है, मतलब फुल मार रहा है, 100% मार रहा है, हम भी 100% मार रहे हैं, समझ रहे हो आप। अब अगर उसके अलावा देखोगे ना, हमने हर अटैक में, हर वॉर में, लास्ट एक महीने से जितने भी हमने वॉर खेले हैं, हर वॉर में हमने परफेक्ट मारा है, हर वॉर में हमने 100% मारा है। अब जिस वॉर में ओपोनेंट अच्छा होता है वो ड्रॉ होती है, और जिस वॉर में ओपोनेंट थोड़ी ढीली होती है, थोड़े बेकार अटैक्स लेती है, अटैक्स मिस करती है, वो वॉर हम जीतते हैं। तो ये लेखा जोखा है, राइट, मतलब वॉर में भी कुछ ऐसा नहीं है कि हम अच्छा खेल रहे हैं मतलब हम जीतेंगे, ड्रॉ होगा। ओपोनेंट अच्छा खेल रही है तो ओपोनेंट जीतेगी, नहीं, ड्रॉ होगा। चाहे हम अच्छा खेले चाहे ओपोनेंट अच्छा खेले, ड्रॉ होगा, या फिर दोनों में से कोई एक बुरा खेले या अटैक्स ना ले तो ओपोनेंट जीतेगी। ये कहानी है वॉर्स का। तो भाई मतलब फिर गेम में रहा क्या, लेजेंड्स लीग बोरिंग, 320 मारो 320 खाओ, वॉर्स बोरिंग, आप 100% मारो ओपोनेंट 100% मारेगा, खत्म। तो भाई करना क्या चाहते हो, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब बहुत लोग ये भी बोल रहे होंगे कि भाई ठीक है आप क्या चाहते हो, मतलब आपको क्या चाहिए। मैं चाहता हूं कि गेम थोड़ा सा ऐसा हो कि डिफेंस हो, अच्छे अटैकर्स 3-स्टार भी करें, बट यार डिफेंस के लिए कुछ तो बचे। अब हर बार अगर आप 3 करते हो ना तो फिर कहीं ना कहीं ये तो उससे भी बुरा है, मतलब अगर मैं 8 के 8 अटैक्स रोज फेल करूँ ना तो मेरे को फिर भी लगेगा कि भाई क्या गलती कर रहा हूँ मैं। अगर मैं ये देखूं कि ओपोनेंट ने 8 में से 4 ट्रिपल्स मारे हैं, 5 ट्रिपल्स मारे हैं, और मैंने अपने 8 के 8 फेल किए, तो मैं अपने आप को क्वेश्चन करूंगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मेरे को क्या सुधार करना है, मेरे को क्या लेना है, कैसा अटैक लेना है, मेरे को क्या चेंज करना है कि मैं भी अच्छे अटैक्स ले सकूं। बट इसमें तो मुझे लगता है कि भाई क्या फर्क पड़ेगा, ना मैं अच्छा अटैकर हूं ना ओपोनेंट अच्छा अटैकर है, या फिर बोथ केस में मैं अच्छा अटैकर हूं ओपोनेंट अच्छा अटैकर है। बट प्रॉब्लम तो वही है कि जज करना मुश्किल है। अब फ्रेंकली मैं बोलूं तो पता नहीं, मैं अपने आप को अभी अच्छा प्लेयर मान रहा हूं, आई डोंट थिंक कि मैं हूं, तो वो कैसे पता चलेगा। जब वॉर्स और जब लेजेंड लीग्स में मैं फेल करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं एक एवरेज प्लेयर हूं, क्योंकि मैं तो 320 मार रहा हूं, तो मैं तो किसी को भी बोलूंगा ना कि भाई मैं क्या कर सकता हूं अगर गेम ऐसा है तो। मैं अब कोई वर्ड नहीं है मेरे पास,
बड़ा मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, इसीलिए लास्ट दो दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि लेजेंड लीग से कुछ अटैक शेयर करूंगा आपसे, बट किसी को परवाह नहीं है भाई, क्योंकि सब लोग 320 मार रहे हैं या फिर 310-15 तो मार ही रहे हैं, 310-12 चलो जो भी है मार ही रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई 310 मारे या 320। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अब आप लोग बोलो जो बोलना है कमेंट्स में, बट जो भी आपका ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो। स्ट्रीम्स जो है वहाँ पे हम वॉर अटैक्स लेते हैं, लेजेंड अटैक्स लेते हैं, आप लोग ज्वाइन करो स्ट्रीम्स वगैरह में। एंड चलो आज के दिन भी मैं एक अटैक के साथ फिनिश करना चाहूँगा इस वीडियो को। इसका रीज़न भी वही है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इतना कुछ बोलने के बाद अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर नहीं हो तो क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ, राइट। चलो अटैक में जाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बेस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये बेस है, राइट। अब सबसे पहली बात, मेरे को ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि करना क्या है मेरे को इस बेस में, क्योंकि मुझे पता है मैं जो आर्मी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना सोचना है नहीं। अब देखो मैं क्या करूँगा, जैसे हर अटैक में मैं जाता हूँ वैसा ही अप्रोच रहेगा मेरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन स्निकी वार्डन आएगा मेरा यहाँ पे, थोड़ा वेट करूँगा, टाइम दूंगा ताकि वार्डन थोड़ा डैमेज ले। चलो ठीक है, अभी भी इतना कुछ खास डैमेज नहीं ले नहीं रहा है वार्डन, तो मैं अभी भी चिल मार रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं तीन ड्रुइड्स जो है वो सेंड करूँगा, यहाँ पे एक हेड हंटर सेंड करूँगा, एंड देख सकते हो यहाँ पे टेस्ला निकला, कोई बात नहीं, टेस्ला निकला तो निकला, क्या ही फर्क पड़ेगा। सीसी पार्शियल लूर हुआ है, ऐसा कुछ खास पूरा लूर हुआ नहीं है, ड्रुइड्स मेरे ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनविज मारेंगे, यहाँ पे एक इनविज मारेंगे, यहाँ पे एक इनविज मारेंगे और फायरबॉल लेंगे, एंड देन यहाँ पे अर्थक्वेक्स करेंगे, क्वीन आ जाएगी मेरी यहाँ पे, एक ड्रुइड दो ड्रुइड और ड्रॉप कर दूंगा, ये भी आ जाएगा, ये दो, ये और ये मैं हर अटैक में यही करता हूँ, कोई सिमिलर मतलब कोई अलग चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मैं हर अटैक में करता हूँ वही करता हूँ। अब मेरा किंग आएगा यहाँ पे, अब मैं पूरे बेस में रोटेशन लूंगा और ये बेस खत्म है। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट। तो ये कहानी है, अब इसमें कोई फन नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, बट ये एफिशिएंट है तो मैं क्यों ना करूँ, है कि नहीं। अब अगर आप में से कोई भी ऐसा बोलता है ना कि भाई ये तो काइंड ऑफ ए स्पैम अटैक है, यस मैं एग्री करता हूँ। अगर आप बोलोगे कि भाई इसके अलावा कुछ और करो, मैं उसका काउंटर क्वेश्चन करूँगा, मतलब आंसर दूंगा कि मैं क्यों करूँ जब ये इतना सक्सेसफुल है, राइट। तो प्रॉब्लम वही है ना कि मैं ये करने में मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे इससे हर बार फ्री मिलता है, और आप मेरे को ये बोल रहे हो ना कि भाई आप अटैक आर्मी चेंज करो या फिर आप कोई दूसरी आर्मी खेलो, फर्क नहीं पड़ता। ये सेम अटैक मैं सुपरविच के साथ कर सकता हूँ, रिजल्ट सेम आएगा। ये सेम अटैक मैं आप बोलोगे तो मैं सुपर बोलर्स के साथ कर सकता हूँ, रिजल्ट सेम आएगा। और क्या चाहते हो आप बताओ, और क्या बोलूँ मैं, आप जो भी बोल लोगे ठीक है मैं वो कर सकता हूँ, बट रिजल्ट सेम आएगा। तो कहीं ना कहीं अब इसमें मज़ा नहीं है, एक टाइम में मज़ा आ रहा था बट अब मज़ा नहीं आ रहा, अब लग रहा है भाई मैं पता नहीं क्यों ये सेम चीज़ रोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट एक्साइटिंग कब होगा, जब मैं ये देखूंगा कि भाई अब ये आर्मी वर्क नहीं कर रही, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, तो मेरे को चेंज करना है। अब यहाँ पे तो मुझे कुछ चेंज ही नहीं करना, मैं तो आराम से कर रहा हूँ ना। ये देखो क्वीन किंग एबिलिटी मैंने यहाँ पे ली, क्वीन एबिलिटी मेरी अभी भी पड़ी हुई है, बेस तो ख़त्म है, अभी भी 26 सेकंड्स बचे हुए हैं, तो ना मुझे कोई होशियारी मारनी पड़ रही है ना कुछ करना पड़ रहा है, आराम से बेसेस ट्रिपल्स हो रहे हैं चाहे कैसा भी बेस हो। तो समझाने का मतलब यही है, बोलने का मतलब यही है कि भाई कुछ चेंज करना पड़ेगा क्लैश ऑफ क्लैंस को, चाहे वो ऑफेंस को थोड़ा नर्फ करे, डिफेंस को थोड़ा बफ करे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोज़ 3 मार सकूं या ना मार सकूं, बट मैं ये इस चीज़ से अब परेशान हो गया हूँ यार, सच बोल रहा हूँ, मेरे को अब इसका एंड देखना है।